नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा और आप देख रहे हैं दिल्ली 99। लोकसभा चुनाव 2019 के नतीजे आज सामने आ रहे हैं और कहीं ना कहीं जिस तरीके से शुरुआती रुझान अब अंतिम आंकड़ों में तब्दील हो रहे हैं, उससे भारतीय जनता पार्टी को जहां पूर्ण बहुमत मिल रहा है, तो वहीं पीएम मोदी को 2019 के इन चुनावों में हार का स्वाद चखाने का दावा करने वाले देश के तमाम विपक्षी दल अब मोदी की सुनामी के सामने धराशायी होते नजर आ रहे हैं। तभी 542 लोकसभा सीटों पर रुझान सामने आने के बाद अब ये धीरे धीरे साफ हो रहा है कि एनडीए इन चुनावों में 340 से पार सीटें हासिल करती नजर आ रही है। बीजेपी कार्यकर्ता जश्न में डूबे नजर आ रहे हैं, तो वहीं बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई देने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। लेकिन वहीं इस शानदार जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साथ ही बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने इस जीत के लिए देश की जनता को बधाई दी है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने एक के बाद एक कई ट्वीट किए और ट्वीट करते हुए लिखा, ये जीत पूरे भारत की जीत है, देश के युवा गरीब किसान की आशाओं की जीत है। ये भव्य विजय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की 5 साल के विकास और मजबूत नेतृत्व में जनता के विश्वास की जीत है। मैं भाजपा के करोड़ों कार्यकर्ताओं की ओर से नरेंद्र मोदी जी को हार्दिक बधाई देता हूं। और इसके तुरंत बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट किया। उनके ट्वीट का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा था, क्योंकि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने 2019 के इस लोकसभा चुनाव में जीत हासिल की है, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, सबका साथ प्लस सबका विकास प्लस सबका विश्वास, विजयी भारत। तो जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है, उससे साफ जाहिर है कि आखिर कितनी खुशी है और साथ ही आने वाले 5 सालों के लिए अब एक बार फिर से देश में मोदी सरकार आ गई है और अब देखना होगा कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश कितना आगे बढ़ता है। और अधिक खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब करें दिल्ली 99।